ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसको महालय श्राद्ध कहते हैं। तो कुछ ऐसे पितर होते हैं जिनका श्राद्ध मृत्यु तिथि में नहीं करा जाता। कुछ लोग सामान्य रूप से तो ये है ही कि जिस तिथि में जो मृत होते हैं उसी तिथि में उनका श्राद्ध होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर नहीं होता है। वे कौन हैं? देखिए, सन्यासी, सधवा स्त्री यानी सौभाग्यवती स्त्रियों का, शस्त्र से मरे हुए लोगों का, चतुर्दशी में सामान्य रूप से मृत्यु को प्राप्त लोगों का, और आत्महत्या या एक्सीडेंट आदि में मृत लोगों का श्राद्ध उनकी तिथि पर नहीं होता है। तो उनका श्राद्ध कब होता है? तो इस पर जो है धर्म सिंधु से आप जो है प्रमाणित वचनों को सुनें और उसका अनुसरण करें। देखिए, ये धर्म सिंधु ग्रंथ है, इसमें महालय प्रकरण में ये सब लिखा हुआ है। देखिए, कि संन्यासिनाम महालयस्तु अपराह्न व्यापिन्याम द्वादश्यामेव सपिंडकः कार्यः नान्य तिथौ। संन्यासियों का महालय श्राद्ध उनके पुत्र या शिष्य आदि किसी भी तिथि में सन्यासी जो है दिवंगत हुए हों उनका श्राद्ध मध्यान्ह व्यापिनी द्वादशी तिथि में ही होता है। पिंडदानात्मक सपिंडकः कार्यः। और जिस किसी की भी पितरों की मृत्यु यदि चतुर्दशी में हुई है तो उनका महालय श्राद्ध चतुर्दशी में नहीं होता है। चतुर्दश्याम मृतस्यापि महालयः चतुर्दश्याम न भवति धर्म सिंधु में। तो कब होता है उनका श्राद्ध? तो उनका श्राद्ध जो होता है वो इन लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी में जो मृत होते हैं उनका श्राद्ध अमावस्या या द्वादशी में होता है। तो चतुर्दशी में किसका श्राद्ध होता है? कि शस्त्रहतस्यैव चतुर्दश्यां प्रकीर्तितम्। जिन जो लोग शस्त्र से मारे गए हैं या एक्सीडेंट में या किसी अन्य विद्युत पात से या किसी में पेड़ वृक्ष आदि से दब करके जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है उन सभी का श्राद्ध, चाहे वो किसी भी तिथि में दिवंगत हुए हों, उनका महालय श्राद्ध ये पितर पक्ष का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही होगा। लेकिन उनका जो वार्षिक श्राद्ध होगा वो वार्षिक उनकी उसको सांबत्सर कैकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं, वो वार्षिक श्राद्ध तो उनकी मृत्यु तिथि यानी चतुर्दशी में भी वो मृत्यु उनकी जो मृत्यु तिथि होगी उसमें ही हो जाएगा। और जिन लोगों की चतुर्दशी में मृत्यु हुई है उनका बताया अभी द्वादशी या पूर्णिमा में होगा, लेकिन उनका वार्षिक श्राद्ध तो चतुर्दशी में भी हो जाएगा। वार्षिक श्राद्धातिरिक्त श्राद्धस्य चतुर्दश्याम निषेधात्, ऐसा लिखा है। और एक बात देखिए, जिन लोगों की पूर्णिमा में जो है मृत्यु होती है तो उनके पुत्राद अपने पिता का श्राद्ध प्रौष्टपदी पूर्णिमा में करते हैं यानी भाद्रपद की पूर्णिमा में करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं धर्म सिंधु में, एवं पौर्णमासी मृतस्यापि महालया पौर्णमास्याम न भवति न कार्या। पूर्णमासी में मरे हुए लोगों का श्राद्ध पूर्णिमा में महालय नहीं होता है। अपर पक्षत्वा, अपर पक्षत्वा ये क्या है? अपर पक्षत्वाभावेन तस्याम महालय प्राप्ते। ये जो है भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी में शुक्ल पक्ष रहता है, तो शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है
और कृष्ण पक्ष पितरों का दिन होता है तो उसमें श्राद्ध नहीं होगा। जो पाक्षिक श्राद्ध है पितर पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से पितर पक्ष प्रारंभ होता है। तो पूर्णिमा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध जो है, कह रहे हैं कि चतुर्दशी मृतस्य पौर्णमासी मृतस्य वा महालयो द्वादश्यामावस्या तिथिषु कार्य। जो सामान्य रूप से चतुर्दशी में मरे हैं या सामान्य रूप से जिनकी मृत्यु पूर्णिमा में हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी और पूर्णिमा में न करके उनका श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या तिथि में करना चाहिए। द्वादश्याम अमावस्या तिथिषु कार्य, द्वादशी द्वादशी और अमावस्या तिथि में इनका श्राद्ध करना चाहिए, अथवा द्वादशी या अमावस्या। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। और कह रहे हैं सौभाग्यवती का जो है श्राद्ध है, किसी की माता या पत्नी का जो है देहावसान किसी भी तिथि में हुआ है परंतु उनका महालय श्राद्ध यानी ये पितर पक्ष में श्राद्ध जो है मातृनवमी के दिन ही होगा। लिखा रहता है सौभाग्यवती नाम श्राद्धम, उनका श्राद्ध नवमी के दिन ही होगा, ये बात है। तो ये बात निश्चित हो गई कि कुछ ऐसी ऐसी तिथि हैं जिनका श्राद्ध उनकी उसी उसी तिथि में न हो करके अलग अलग तिथियों में किया जाता है। सामान्य रूप से यदि कोई पाक्षिक श्राद्ध कर रहे हैं, ये जिस तरीके से पूरे पक्ष में जो श्राद्ध कर रहे हैं प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, तो इसमें फिर वो दोष तिथियों का नहीं है, फिर तो सबका सब में होता रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, ये जो पितृपक्ष का महालय श्राद्ध चल रहा है इस श्राद्ध में किसी एक व्यक्ति को लेकर के श्राद्ध नहीं होता है, इसमें तो संपूर्ण जो है पार्वण का श्राद्ध होता है। पार्वण अर्थात आप अपने पिता की तिथि पे करेंगे अथवा पूरे पक्ष में प्रतिदिन करेंगे, कई पक्ष हैं तो उसमें सभी का श्राद्ध होगा, पिता पितामह प्रपितामह माता दादी परदादी इसी प्रकार से नाना परनाना वृद्ध परनाना सपत्नीक और एकोदिष्ट गण जो भी हैं आपके चाचा ताऊ मामा आदि बुआ और मौसी आदि कोई और भी हैं तो उनके निमित्त एकोदिष्ट गण से, तो सबका श्राद्ध प्रतिदिन होगा। तो श्राद्धांग जो तर्पण है वो श्राद्ध करने के बाद करना चाहिए। प्रायः लोग देखे जाते हैं इस पितृपक्ष में प्रतिदिन तर्पण करते हैं तो वो नित्य तर्पण है, सामान्य रूप से प्रतिदिन ही तर्पण करना चाहिए। तो जो लोग प्रतिदिन तर्पण नहीं कर सकते हैं तो लगता है उनको कि चलो पितृपक्ष में ही तर्पण कर दे, इस दृष्टि से तर्पण करते हैं तो वो तो नित्य हो जाएगा, प्रातः काल के बाद संध्या और अपना ब्रह्म यज्ञ करने के बाद उसको आप तर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कोई श्राद्ध कर रहे हैं तो नित्य तर्पण करते तो नित्य तर्पण तो पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जो है श्राद्ध करिए पिंड दानात्मक या ब्राह्मण भोजनात्मक, वो श्राद्ध करने के बाद फिर श्राद्ध वो तर्पण होगा, वो तर्पण जो है वो श्राद्धांग तर्पण है, वो परम आवश्यक है। तो अगर कोई नित्य प्रति तर्पण करते हैं या केवल पितृपक्ष में नित्य प्रति तर्पण करते हैं तो वो दो बार तर्पण करेंगे, श्राद्ध से पहले नित्य तर्पण और श्राद्ध करने के बाद श्राद्धांग तर्पण। अगर कोई नित्य श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, केवल जिस दिन श्राद्ध करना है तो उस दिन तो तर्पण करना ही चाहिए, तो उनका तर्पण श्राद्ध करने के बाद होगा, ये निर्णय है। इस तरीके से कि किस व्यक्ति का महालय किस तिथि में करना चाहिए ये जो है इसमें बतलाया गया। सामान्य रूप से जिनकी मृत्यु जिस तिथि में होती है और उनकी महालय श्राद्ध उसी तिथि में होगी। तो जिन लोगों को अभी बतलाया गया जो है उनकी विधवा की भी
जो भी मृत्यु तिथि होगी उसी में वो श्राद्ध होगा। केवल सौभाग्यवतियों का नवमी में होगा। एक बार दोबारा दोहरा देते हैं, और शस्त्र से मरे हुए किसी भी तिथि में होंगे उनके चतुर्दशी में होगा। सन्यासियों का किसी भी तिथि में मरने पर द्वादशी में ही होगा। पूर्णमासी में मरने वालों का श्राद्ध अमावस्या या द्वादशी में होगा। इस तरीके से ये महालय श्राद्ध की तिथियों की व्यवस्था बतलाई गई है। हर हर महादेव।